नमस्कार, अवतार मीडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। और देखिए इस वक्त मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय के बाहर खड़ी हूं और यहां पर कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उत्साह है, खुशी की लहर देखने को मिल रही है। और देखिए गांडे विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और कल्पना सोरेन जो है भारी मतों से उनकी जीत हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है और इस जीत का जश्न आप देख सकते हैं किस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में तमाम कार्यकर्ता जो है जेएमएम के वो उत्साहित है, खुशी की लहर में। इनसे ही जानेंगे कि क्या किसे इस जीत का श्रेय देते हैं। तो देख सकते हैं गांडे उपचुनाव को लेकर कल्पना सोरेन के जीत के बाद तमाम कार्यकर्ताओं में आप देख सकते हैं उत्साह है, खुशी की लहर है। क्या कहेंगे जी? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे कल्पना मैडम को, जो गांडे चुनाव ने उन्होंने लगभग 26,000 वोटों से जीता है। तमाम कार्यकर्ता खुश, आप देख रहे हैं पार्टी ऑफिस में हम लोग तमाम लोग लड्डू बांटने का और रसगुल्ला बांटने का काम करें, तमाम मीडियाकर्मी है, दिल से बधाई है, गठबंधन को बधाई है। जिस तरह से हमारे जेएमएम के तीन तीन सांसद ने जीता है और गठबंधन को पूरी तरह बधाई है। आगे अभी कुछ बाकी और है, देखते हैं। हम लोग अभी भी पूरा उम्मीद है कि केंद्र में हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी। हेमंत सोरेन इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री थे, जेल में है, उसके बावजूद उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन भारी मतों से जीती है, क्या कहेंगे? देखिए ये जनता की जीत है और कल्पना सोरेन के साथ पूरे झारखंड की जनता और हेमंत सोरेन जी के साथ हैं। ये आज उनकी जीत पे ये प्रतीत हो चुका है और अब जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनको ये जान जाना चाहिए कि उनका आने वाले विधानसभा में सुपड़ा साफ होना तय है। देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे, एक दूसरे में खुशी की लहर है, उत्साह है, क्या कहेंगे? कल्पना सोरेन जीत गई, आपकी मेहनत सफल आई, तमाम कार्यकर्ताओं। देखिए ये तो बिल्कुल तय था, कल्पना मैडम की जीत ऑलरेडी निश्चित थी और हम लोग पूरा अच्छी तरह से जान रहे थे कि जिस तरीके से लोगों ने हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के, जो 6 महीने से धीरे बोलो थोड़ा सा जिस तरीके से लोगों को जेल के पीछे डाला है, उसका उसके विरोध के रूप में आज देखिए हमारे जितने भी पूरे भारतवर्ष के जो है और झारखंड के खासकर जो 5 सीट हम लोग यहाँ पर लाए हैं और जो इनका नारा था कि 400 के पार इस बार लाएंगे, इनका भ्रम टूटा है। अब हमारे देश की जनता उनके जुमलेबाजी फंसने वाली नहीं है, उसका ताजा उदाहरण आज जो लोकसभा का जो परिणाम है। आज लोकसभा के भी परिणाम आए हैं और अगर झारखंड में देखेंगे तो एनडीए ही लीड पर है। दोबारा बोलेंगे क्या बोले? एनडीए ही लीड पर चल रही है झारखंड में, क्या कहेंगे? देखिए चूंकि इससे पहले भी हमारे नरेंद्र मोदी के इस तरह से जुमलेबाजी किए, इस तरह भ्रम जाल फैलाए हैं कि लोगों को, बहुत से भी अंधभक्त हैं जो अभी भी उनको उन पर विश्वास करके वोट दे रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में उनका भ्रम बिल्कुल टूट जाएगा और फिर से हम लोग इंडिया गठबंधन की सरकार यहाँ पर बनेगी। धन्यवाद। जश्न मना रहे हैं आप लोग, आज कल्पना सोरेन की जीत हुई है गांडे उपसभा चुनाव में, क्या कहेंगे? इसका श्रेय किसे जाता है, कार्यकर्ताओं को, कल्पना सोरेन को, हेमंत सोरेन को? पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जनता, झारखंड की जनता और ये हेमंत दादा को जाता है, ये श्रेय हेमंत दादा को जाता है जिन्होंने जेल में रहना पसंद किया मगर इन भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाने का काम नहीं किया। ये जीत जो है ना, ये जीत पूरे झारखंड के कान और आँख में जाएगा कि एक आदिवासी का बच्चा को, एक दलित का बच्चा को तुम लोग जेल भेजता है, ये तुम देख लो कि आदिवासी या 5 सीट हम लोग जीत रहे हैं, ये रोज का है ये 5 सीट। आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को बोलते हैं कि ये क्षेत्रीय पार्टी है तो सुन लिए, बीजेपी खाली राम को तुम लोग जानता है ना, इस राम की धरती में, इस झारखंड की धरती में कोई नहीं टिकेगा, सिर्फ हेमंत सोरेन और बाबा दिसुम गुरु सुबी सोरेन रहेगा, कोई नहीं। बीजेपी 400 पार के नारे दे रही थी लेकिन अब 400 पार तो नहीं हो पा रहा है, लीड तो कर रही है, क्या कहेंगे? क्या लगता है कि वो आंकड़ा क्यों नहीं छू पा रही है बीजेपी? कभी सोचते हैं कि बहुत बड़ा का टेंट लगाए हुए हैं, एकदम पूरा करोड़ों रुपए का टेंट लगाए हैं और दूल्हा पैजामा में आए हैं, बात समझ गए ना? तो यही हाल हुआ है लोग का, घमंड टूटा है, घमंड, जेल का ताला टूटेगा, घमंड तोड़ा है, घमंड। ये लोग सोचता था कि 370 ये लोग नहीं लाया है, बीजेपी बोले 370 नहीं लाया, 370 400 ये लोग ने सब गर्दा उल्टा दिया। हम तमाम कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर आपको नजर आ रही है इस वक्त, जो है कल्पना सोरेन जो है गांडे उपसभा चुनाव जीत चुकी है और इस देख सकते हैं यहाँ पर उत्साह कार्यकर्ताओं के बीच में है, इस तरीके से उत्साह दिखा रहे हैं और जो ये खुशी है, इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के भी रिजल्ट सामने आ चुके हैं और इनके बयान आपने देखा।